जन्म कर्म च विश्वात्मा अंजस्या कर्तुरात्मना तीर्य नृषयु तदत्य अंत विडम्बनम। पढ़ी। हरे कृष्ण परवीन पढ़ेगा। हाँ हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही आश्चर्यजनक विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी बात है। तात्पर्य, श्री भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल विस्मयकारी हैं, अपितु परस्पर विरोधी भी लगती है। दूसरे शब्दों में, वह मनुष्य की स्मृति चिंत शक्ति के लिए अत्यंत है। श्री भगवान सभी प्रकार के अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में सूकर बनकर, मनुष्यों में श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि रूप में, ऋषियों में श्री नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी ना तो उनके समान है, ना उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां शक्तियां विविधि विविध है और उनका हर काम श्वेत ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। सभी कथन निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि श्री भगवान की रूप गुण लीलाएं हमारी सीमित चिंत शक्ति के लिए अचिंत्य है, क्योंकि वह अत्यंत रूप से शक्तिमान है। अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः कोई भी उनके बारे में ठीक से अनुमान नहीं लगा सकता और इसलिए श्री भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य के लिए आश्चर्यजनक है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि उनका श्री भगवान से अंतरंग संबंध संबंध होता है। अतः भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि श्री भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वह ना तो पशु है, ना मनुष्य है, ऋषि ना ही मछली है। वह समस्त परिस्थितियों में सदैव परम भगवान है। हरे कृष्ण। ओके जी, थैंक यू। तो यहाँ पर भगवान के अचिंत्य लीलाओं के बारे में कुंती महारानी नहीं स्मरण करते बोल रही है कि ये जानना बहुत मुश्किल है और ये विडंबना है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने बुद्धि से भगवान के लीलाओं को समझने का प्रयास करेगा तो वो चकित हो जाएगा और वो बिविल्डर हो जाएगा। विडंबना मतलब वो मोहित हो सकता है, भ्रमित हो सकता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीव दो स्वयं एवं स्फुरत यदा। तो भगवान के नाम रूप लीला को अपने ग्राह्य इंद्रियों से समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम सेवा की भावना रखते हैं तो जब हमारा हृदय जो है भगवान की सेवा में मेल्ट होता है और वो भावनाओं से हम उनकी भक्ति करते हैं तब वो हमें स्वयं एवं स्फुरति अदर अपने आप उनकी लीलाएं हमारे हृदय में स्फुरित हो जाती है। और भगवान गीता में कहते हैं भक्तिया माम अभिजानाति, केवल भक्ति एक मार्ग है जिससे एक व्यक्ति हमें मुझे समझ सकता है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान मार्ग है या कर्म मार्ग है इनसे भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक वो अपने आप को रिवील। भगवान गीता में कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो या ना भी जाना थी। मैं हर किसी व्यक्ति को अपना प्रकाश या अपने बारे में ज्ञान नहीं देता हूं। नाहम प्रकाश सर्वस्य, सभी लोगों में नहीं देता हूं।
मैं अपनी योग माया से अपने आप को ढक लेता हूं। मूढ़ों या ना भी जानाती, जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, ना भी जानाती, वो मुझे कभी समझ नहीं सकता। इसलिए भगवान लीलाएं बहुत दिव्य है, और वो दिव्यता तक पहुंचने की एक पद्धति है, एक मार्ग है, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं। तो जब हम कंटिन्यूस फॉलो करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तब भगवान हमको धीरे धीरे अपना स्फूर्त देता है। अदरवाइज आप बड़े बड़े स्कॉलर के पास चल जाइए, वो लोग भी जो है वो भी इसमें बिल्डर हो जाते हैं, वो भी जो है चकित हो जाते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े अभी साधु संत लोग भी हैं जो बड़े फेमस हैं और जो बोलने बड़े हैं, लेकिन वो भी जो है कभी कभी फिलोसॉफिकली आप देखोगे तो उनमें कुछ डिस्पैरिटी या उनमें क्लैरिटी उनको समझ में आती नहीं है ना बहुत। तो इसलिए शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शायद मैं बात बोलूं तो आप लोगों को थोड़ा सा किसी को बुरा लग सकता है कीजिए, बट अभी जैसे हम वृंदावन में प्रेमानंद महाराज बहुत फेमस है, और इनफैक्ट हम लोगों को दर्शन भी हुआ उनका, यात्रा में गए थे तो गाड़ी से जा रहे थे, तो बहुत फेमस है और बहुत अच्छा है। उनकी तप, उनकी साधना, उनके उनकी विचारधाराएं, ये सबको बहुत प्रणाम है और बहुत अच्छा है, वो साधना भी कर रहे हैं। बट कुछ कुछ तत्वों में उनकी भी क्लैरिटी नहीं है। जैसे कल ही एक क्लिप आया और मैंने देखा, तो किसने प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा शिव और विष्णु में क्या अंतर है, किसने पूछा, तो डायरेक्टली वो बोलते हैं कि वो सब एक है, वो एक ही चीज है और वो एक ही अनेक रूप लेते हैं, तो ये मायावाद दर्शन है। अब क्या है, ये बात अगर हम उनके भक्तों तक जाएगी तो फिर वो लोग 10 प्रकार की चीजें होंगी, 10 प्रकार की बातें होंगी, 10 लोग जो है वो बोलेंगे अरे आप लोग विरोध करें। तो ये उन लोग के लिए हम बता रहे हैं जो फिलोसॉफिकली स्ट्रांग होते हैं, उन लोग समझ सकते हैं ये। अगर आप ऐसे देखो दृष्टिकोण से, तो एक साधु है, संत है और भक्ति कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं, बुरे आदत छुड़ा रहे हैं वो सब, लेकिन जब आप एक लेवल ऊपर बढ़ते हो तो इसलिए फिलोसॉफिकली जो चीजों को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, वहां पर अगर आप देखोगे तो शास्त्र से उनका भी मतभेद हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, ये भगवान के बारे में समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए परंपरा बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अभी इनफैक्ट इवन इस्कॉन भी कई सारे भक्त लोग उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके बातों से प्रेरणा बहुत, इनफैक्ट एक बार मैं भी कुछ उनकी अच्छी अच्छी बातें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। जैसे कई लोग उनके पास आते हैं तो दैनिक जीवन कैसा होना चाहिए, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज में, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट देन जब आप फिलोसॉफिकली घुसते हो तो आप देखोगे उनको भी ये चीज में क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए परंपरा विहीना मंत्र निष्फला। तो इसीलिए देखिए आप लोग, कोई लोग कह सकते हैं कि आप इस्कॉन से, तो बोल के आप इस्कॉन को प्रमोट कर रहे हैं, आप इसको कर रहे हैं, वो तो आप डेवलप करेंगे, बट आप देखोगे सबसे अच्छी बात जो हमारे हमको जो प्रभुपाद जी ने दी है, वो ये परंपरा में दी है। आप देखिए इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भी उनको ज्ञान दिया है, और आप उनके गुरु भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी का फिलोसॉफी पढ़ के देखिए और भक्ति ठाकुर का फिलोसॉफी देखिए। इनफैक्ट अब आप, मैं ऐसी ही नहीं बोल रहा हूं, मैं पढ़ के बोल रहा हूं, मैंने भक्ति ठाकुर जी की पूरी बायोग्राफी पढ़ी है, भक्ति श्रद्धा वैभव करके 3 मोटी मोटी किताब की हुआ है, क्योंकि तो लॉकडाउन में मैंने उसको पढ़ा, और अभी कुछ दिन पहले मैं भक्ति ठाकुर की किताब ही पढ़ रहा था एक जयधर, बट ऑफकोर्स वो मुझे पढ़ने के लिए मना किया गया, बोला कि थोड़े दिन बाद उसको पढ़ना है। बट बड़ा मुझे बहुत संतुष्टि हुआ कि प्रभुपाद जी ने एक भी चीज हमको वो नहीं सिखाई है जो चैतन्य, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ के देख लीजिए, अगर आपको डाउट होता है कि हमारी फिलोसॉफी में कुछ फ्लॉ है, कुछ ये है, तो आप परंपरा से पढ़ के देखिए चैतन्य चरितामृत पढ़िए, जहाँ चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाएं हैं, फिर सर गोस्वामी की किताबें पढ़िए, फिर भक्ति ठाकुर के पढ़िए, भक्ति ठाकुर के पढ़ के देखिए, आपको एक ही चीज मिलेगी, जो एक ही धारा सेम, दैट इज प्रॉपर क्रेडिट। इसीलिए जब हम भक्ति कर रहे हैं और हम प्रभुपाद जी को बहुत, अगर हम लोग लॉयल रहेंगे और उनके मार्ग से चलेंगे, हम लोग बहुत सेफ है।
और अगर हम लोग इधर उधर भागने का प्रयास करेंगे तो फिर हम भटकने का चांस हो सकता है। इसीलिए ऐसे साधु हम सबको सम्मान करते हैं, सबको रेस्पेक्ट करते हैं, बट जहां फिलोसॉफी की बात आती है वहां हमको जो प्रॉपर सिखा रहे हैं वही हमारे लिए अल्टीमेट है। और ये केवल सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, ये अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सोच समझ करके हम भी निर्णय पे आना चाहिए। और मैं भी इस बहुत सोच समझ के निर्णय पे आया हूँ। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि जो सेंटिमेंटली कोई भी चीज को फॉलो करे, तो इसीलिए आप उसका रिजल्ट अब देखोगे तब आपको समझ आएगा कि क्या ये चीजें है। तो इसीलिए क्या है कि इसलिए वी शुड नॉट डेविएट, क्योंकि आप फिर भटक जाओगे मार्ग से, क्योंकि अभी तक हम में से कोई भी सेल्फलेस नहीं हुआ है। हम अभी एक प्रयास में जुड़े हुए हैं बट वी आर नॉट सेल्फलेस येट, वी हैव लॉट वे टू गो। इसीलिए मार्ग से भटकना नहीं है हम लोगों को, भले हमसे गलतियां होगी, हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे वो चलेगा, बट हमें जुड़े रहना है प्रभुपाद जी की फिलोसॉफी से, तब जाकर के हमें वो। कई बार लोग जो है कुछ हायर रास्ता टेस्ट करने के लिए या कुछ ये करने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं और फिर वो पूरा मार्ग उनसे छूट जाता है। फिर उनको जो है फिलोसॉफी में डाउट आने लग जाता है, फिर उनको जो है गुरु पे विश्वास नहीं होता है और उनका पतन हो जाता है इस प्रकार से। तो इसीलिए क्या है ना, जैसे बताया गया इवन सेंसुअल फॉल डाउन इज नॉट अ वेरी बिग फॉल डाउन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर है जो अपने इंद्रियों को वश नहीं कर पा रहा और वो मान लो कुछ गलत कार्य में लग भी गया, क्योंकि बड़ा फॉल डाउन है ये है, बट कोई उतना बड़ा नहीं है जितना फिलोसॉफिकल फॉल डाउन है। मतलब बताते से कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण की भक्ति कर रहा है, क्योंकि हम सब पति जीवात्मा है और इंद्रियां हमें बहुत प्रबल कर रही है, तो अगर एक्सीडेंटली हमारा इंद्रियों से पतन हो गया, मान लीजिए हमने ऐसा कार्य कर दिया जो जो नहीं अलाउड है, तो कोई बड़ा, वहां पर ये श्लोक आता है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और भगवान अपि सुदुराचारो भजते मानन्य भाग। कोई सुदुराचार, कोई दुराचार व्यवहार भी कर दे लेकिन मेरी भक्ति में लगा हुआ है तो जल्द ही अपने पोजिशन में आ जाएगा। लेकिन जिनका फिलोसॉफिकल डेविएशन हो गया है, जो मतलब जिनकी दर्शन, जिनका फिलोसॉफी गड़बड़ा गया, वो तो गया फिर, तो फिर उसके लिए कोई उपाय नहीं है फिर। इसलिए सेंसुअल फॉल डाउन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलोसॉफिकल को बचा के रखना, अपने बुद्धि को कभी भी भ्रष्ट नहीं होने देना। मतलब जैसे मान लीजिए अभी आप भगवान की शुद्ध भक्ति को हम मान रहे हैं, प्रभुपा जी को फॉलो कर रहे हैं, सडनली हम प्रभुपा जी पे डाउट करने लग जाए, होता है कई बार प्रभुपा जी पे डाउट करना शुरू कर देते हैं या इस्कॉन के प्रति उनकी वो गलत भावना आ जाती है, गया फॉल डाउन हो गया। और एक बार वो माइंड में कीड़ा घुस गया ना, समस्या आत्मा विनश्यति, विनश्यति, गया वो फॉल डाउन हो जाएगा उसका। इसलिए हमें रेगुलर भागवतम पढ़ना, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना ये बहुत जरूरी है। हम क्यों इतना प्रोग्राम करते हैं, इतना क्लासेस करते हैं, इतना हर वेनेसडे क्लास करते हैं या इतना कथा क्यों करते हैं, ताकि एक ही चीज को एंश्योर करने के लिए कि हम लोग जो प्रभुपाद जी का दिए हुए मार्गदर्शन है उसको 100% फॉलो करने का प्रयास करें। उसको बार बार हमको पढ़ना है प्रभुपाद जी किताबों को, प्रभुपाद जी को बार बार हम लोग को उनके दिव्य दर्शन को फॉलो करना है, बार 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 बार, तब आपको समझ आएगा कि क्या प्रभुपाद जी हमको दे रहे हैं। तो जल्दी हमारा मन क्या बोलता है, एक बार पढ़ने से हमको लगता है कि बस सब हो गया, हमने गीता पढ़ लिया सब समझ आएगा। अरे कम से कम 5-6 बार पढ़ोगे तब जाकर सही में समझ आएगा कि है क्या ये। इसीलिए ये फिलोसॉफिकल डेविएशन नहीं होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है, ये पूरा भक्ति को उजाड़ देगी हमारे हृदय से। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए तो बोल रहे हैं विडम्बना। विडम्बना मतलब क्या, बहुत बिल्डरिंग है ये। तो भगवान लीलाओं को समझना, उनकी लीलाओं पे चिंतन मनन करना, ये इतना आसान काम नहीं है। जब तक हम एक शुद्ध वैष्णव, हम एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में नहीं इसको पकड़ेंगे, ये बड़े बड़े लोगों के लिए बिल्डरिंग है। बड़े बड़े कथाकार लोग होंगे, लाखों लाखों फॉलोअर्स उनके होंगे, पर उनको भी ये ज्ञान नहीं पता होगा क्योंकि परंपरा से ज्ञान नहीं ले रहे हो। तो कुछ भी खाली कैरिस्मेटिक कर देने से वो खाली कुछ दिन का रहता है, पर वो हमको भगवदधाम ही लेके जाएगा। समझ रहे बात को? इसीलिए जब हम भगवदधाम की बात कर रहे हैं या शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, ये परंपरा बहुत जरूरी है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रामाणिक परंपरा में आ रहे हैं, जिसका पूरा प्रमाण है, पूरा प्रूफ है। तो इसलिए हमको बहुत स्ट्रॉन्गली इसको पकड़े रखना चाहिए, तब जाके हमको ये समझ में आएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31, कोई क्वेश्चन है, किसी का कुछ प्रश्न है इसी से पर? चलिए अभी गोप्या ददे त्वयि कृता दसी दाम दावत या ते दशा सुखलीलांजन संप्रमाक्षम वक्त्रमिनीय भय भावनया स्थितस्य सामा विमोयति धीरपि यत् विवेति। पढ़िए। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे कि आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से दबदबा आई, जिससे आपकी आंखें आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात्कार ही भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तात्पर्य, यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन किया जा रहा है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि है, जैसा कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर पीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वो परमेश्वर की पर स्थिति को भूल जाता है। भगवान भक्तों की प्रेममयी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं। जब वह सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, ना कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय महत्वहीन नहीं मानते। भगवान के माता पिता जो भी शुद्ध भक्त होते हैं, जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता पिता का प्रताड़ना को वैदिक श्रोतों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपने प्रेमिकाओं के उल्लाहनों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। तब जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित पीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करने करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे, और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में भी बांट दिया करते थे। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा यह देखती तो वह शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती, वे रस्सी लेकर धमकाती कि वे उन्हें बांध देगी, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपने सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति रो पड़ते हैं, और उन्हें अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर कपोलों पर दुदक पड़ता। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की, क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेत थी, जिससे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वे भगवान अपनी माता से भयभीत है, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, और भगवान ने उन्हें बुलवा दिया था
उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकिचाती हिचकती। लेकिन उन्हें यह स्थिति बुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बालक चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप से संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करके करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकती है। थैंक यू। तो ये तो आप जानते ही हैं कैसे भगवान जो है वो ऐसी लीला करते हैं जहां पर अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं भगवान। तो एक इंटरेस्टिंग लाइन इस बीच में आया कि कुंती महारानी को भगवान, अभी इस श्लोक से ये समझ में आ रहा है कि कुंती महारानी भी लीलाओं को अपनी आंखों से देखा है तभी ना ये बोल पा रही है। तो कुंती महारानी ये देख करके बिल्डर हो रही है, अरे ये जो व्यक्ति जिससे स्वयं यद विभेति भयम्, जिनसे भय भी भयभीत होता है, मतलब काल भी भयभीत होता है, वो अपने माँ के छड़ी से भयभीत हो रहे हैं। तो यहां पर माँ यशोदा का स्थान कुंती माने से बढ़कर है क्योंकि उनको भगवान की सत्ता का ज्ञान नहीं है। अभी आप सामान्य भौतिक दुनिया में देखोगे तो जिसको भगवान के बारे में पता है, जैसे मान लीजिए आप तो इस्कॉन मंदिर मानते हैं और किसी को ज्यादा नॉलेज है, कोई भक्ति शास्त्री कोर्स किया है, ज्यादा पढ़ा है, तो आप उसको बड़ा मानते हैं ना, अरे ये तो एडवांस डिवोटी है या ये बड़े डिवोटी है क्योंकि इनको भगवान के बारे में पता है। बट आध्यात्मिक जगत में जिनको नहीं पता वो ज्यादा बड़े। तो यशोदा मैया को भगवान की भगवत्ता के बारे में नहीं पता, यहाँ पर पाठ लिख रहे हैं वो कुंती मान से बड़ी भक्त है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम ज्यादा है। अब नहीं पता इसका मतलब ये नहीं कि वो इग्नोरेंस में है। यहां पर इस जगत में किसी को भगवान के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो इग्नोरेंस में है, वो तमोगुण में, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। बट भगवत धाम में नहीं पता का उसका कारण अलग है। प्रेम इतना बड़ा है कि प्रेम के आगे वो ज्ञान छुप गया है। इसीलिए भक्ति के आगे कर्म और ज्ञान दोनों ही छुप जाता है प्रेम के आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माँ है, उसके सामने उसका बेटा कितना ही बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा वो लॉरेट किया हो, पीएचडी किया हो, ये सब किया हो, प्रेम के आगे उसका ज्ञान छुप जाता है। वो घर आएंगे तो वो उसको वैसे ही मतलब गले से लगा लेंगे या उसको ऐसे छोटे मोटे काम करेंगे जो भी है, जो एकदम मतलब एक अनपढ़ जैसे व्यवहार करते हैं ना वैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। गाँव में आप जाओगे देखते हो कि, तो ज्ञान और कर्म भी कोई बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री भी आप देखोगे जब जाते हैं मार्च से मिलने के लिए तो कैसे मिलते हैं, वहां थोड़ी उनका पद रहता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। जब भी प्रधानमंत्री हमारे इस्कॉन में वेलकम हुआ तो पूरा फोटो तो खींच करके एकदम पूरा लोगों, अभी जिन जिन लोग उनसे मिले थे मैं उनसे भी बात करूँ तो उनको लग रहा है हमारा जीवन सफल हो गया, मतलब इतना हमको ऐसा लग रहा है कि महापुरुष हम मिल लिए। कोई बुरा प्रोटी मैं जस्ट बगल में था उनके, मैं तो पीछे चल रहा था प्रोटी, तो जैसे कुछ लोग साथ में चल रहे थे तो कुछ लोग इतना एक्साइट होकर डांस करने लगे जबकि उनको बोला डांस नहीं करना है चुपचाप चलो, तो प्रोटोकॉल था पूरा, लेकिन लोग ऐसे भाव में रहोगे पूरा। तो समझ ना वहां पर उनको एक फील आ रहा है क्योंकि उस व्यक्ति का इतना कर रहे, उसका इतना कर्म ऐसा है कि इतना ऊंचा बना दिया। और वही व्यक्ति जब अपने घर जाता होगा माँ से मिलते होंगे तो माँ के सामने थोड़ी उसका कोई कर्म है, वो पीएम होंगे अपने अपने गाँव में अपने दिल उसमें शहर में, पर वो गांव में वो एक बेटा है प्रेम। इसलिए प्रेम कर्म और ज्ञान को ढक देता है, ढक इन सेंस इसका मतलब बलात्कार नहीं ढकता है, उसका स्तर इतना ऊपर है कि वहां ज्ञान और कर्म जो है वो छुप जाता है। वो ज्ञान और कर्म जैसे मान लीजिए दो कैंडल जल रहे हैं, अब उसके सामने एक आप एक पूरा 500 वाट का हेलोजन जला दोगे तो जो दो जो मोमबत्ती जल रही है वो तो छुप जाएंगे, उसकी लाइट क्या क्या वैल्यू रहेगी। तो उसी प्रकार प्रेमा भक्ति यहां होते अविद्या विनाश यही थे।
तो जब हृदय में प्रेम का उद्घोष होता है या प्रेम का जब निकल के आता है, भगवान के प्रेम उमड़ जाता है जब हृदय में, तो ज्ञान और कर्म ढक जाता है। फिर वहां पर कोई नहीं देखता, भगवान नहीं देखते कि तुम मेरे लिए कितना लाइफ नंबर बनाया है, कितना मेरे लिए बुक बांटे, कितना बड़ा प्रचार किया, नहीं। इसलिए जो प्रेमी भक्त है भगवान के, वो भले कुछ ना करे, बट जस्ट बिकॉज उसके हृदय में प्रेम है भगवान के लिए, वो उन भक्तों से बड़ा महान है जो भगवान के लिए हो सकता है बड़े बड़े महल बांधे हो, बड़े बड़े मंदिर बनाए हो, जो भी हो, बट प्रेम इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और यशोदा माँ का यही सबसे बड़ा क्वालिटी की इतना प्रेम है, ब्रजवासी का यही मूल उनका जो एसेट है, उनकी जो संपत्ति वो है प्रेम भक्ति। तो प्रेम इतना भरा पड़ा है उनके अंदर कि वहां पर ज्ञान और कर्म जो है ढक जाता है, और भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, भगवान जो है उनके इशारों पर नाचते हैं। फिर जैसा वो चाहते हैं वैसा भगवान करते हैं कि प्रेम के वश में भगवान हो जाते हैं। अब ये हाईएस्ट ऑफ फिलोसॉफी है, बट इसको समझना विडम्बना, अगर बुद्धि मैंने बोलते बहुत बिविल्डरिंग है ये। अब कोई एक स्कॉलर अगर मान लो आके पढ़ेगा हमारा कोई किताब, जैसे ये ब्रिटिशर्स लोग जब आकर के हमारी किताबों को पढ़े, ये शास्त्र को, तो ये लोग बोले क्या भगवान है ये माखन चुरा रहे हैं, ये माँ दौड़ा रही है इसको, माँ इसको उससे बांध रही है, क्या भगवान है ये, गोपी से डांस कर रहे हैं। तो वो ज्ञान की दृष्टि से भगवान की लीला को समझने का प्रयास कर रहा है, तो कैसे समझेगा वो। इसलिए अधिकांश लोग भारत में जो कि कृष्ण को मानते हैं भगवान, बट वो दिल से नहीं मानते, क्योंकि वो ज्ञान के प्लेटफॉर्म से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक प्रेम हृदय में आएगा नहीं, तब तक आप समझ नहीं सकते उस बात को। इसीलिए ये भक्ति का ज्ञान केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। इसलिए जो इवन बड़े बड़े कथाकार भी हैं, अगर उनके हृदय में प्रेम नहीं है और वो केवल अपना बिजनेस चलाने के लिए या केवल एक आडंबर के लिए कथा कर रहे हैं, वो कभी भी आपके हृदय में प्रेम जागृत नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। कि मैं इस्कॉन मानने से पहले बहुत सारे कथाओं में गया, देखा वहां पर जाकर के, बट आप रियली जाके देखिए, कुछ असर नहीं पड़ता लोगों को, कुछ असर नहीं पड़ता लोगों को, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। वो 7 दिन पूरा कथा करेंगे, गाएंगे, रोएंगे, हंसेंगे, ये सब कुछ करेंगे, बट उनके 4 दिन छुट्टी है, मैंने और बाकी आदत छोड़िए या जो भी, एक भी बुरी छुट्टी नहीं है उनकी, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। और वहीं आप प्रभुपाद जी का देखिए, प्रभुपाद जी लोगों को रास्कल बोल बोल के डांट डांट के उनको कई बार डांटा, लेकिन उनका जिंदगी बदल सुधार दिया प्रभुपाद जी। यही परिणाम परिचय थे, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के हृदय में वो प्रेम है भगवान के प्रति, और उन्होंने वो ट्रांसफर किया दूसरों के हृदय में। हाँ, ये कोई तो मुझे बोला कुछ दिन पहले कि बड़े आश्चर्य की बात है ये, कि कैसे लोग बदल रहे, कैसे लोग का जिंदगी बदल रहा है। तो इसलिए क्या है, इस चीज, इस मिराकल को देखिए। प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद जी व्हाट मिराकल यू डिड, ही सेड आई डिडंट नो एनी मिरेकल, आई जस्ट गिव देम डिलीवर देम द करेक्ट मैसेज ऑफ कृष्णा एंड देयर लाइफ गॉट ट्रांसफर्ड एंड चेंज्ड। तो इसीलिए जब तक हमारे हृदय में वो प्रेम का एक अंश नहीं आएगा, तब तक हम दूसरों को प्रचार करके नहीं दे सकते। जो आपकी संपत्ति है ही नहीं, आप कैसे दोगे दूसरों को। इसीलिए प्रचार अगर हम कर रहे हैं, हमें भी ये मेक श्योर करना होगा कि हम भी भगवान के प्रति अपने प्रेम को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे उसमें अग्रसर हो रहे हैं, और तब जाके हम दूसरे के हृदय को बदल सकते हैं। जैसे हमने आज सुबह क्लास में बोला था कि लोग चाहते हैं कि हमारे घर वाले भक्त बन जाए, हमारे घर वाले बदल जाए, सुधर जाए, बट वो कैसे होगा जब तक आपके हृदय में वो संतुष्टि नहीं है, आपके हृदय में प्रेम नहीं है, आपके हृदय में वो दया की भावना नहीं है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे की जिंदगी में वो चीज आ जाएगी। इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं इस दिशा में, पहले उसका मापदंड होना चाहिए कि एम आई सीरियसली ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ सीरियसली। और आप देखोगे जो जो आप अपने आप को बदलने का प्रयास करोगे, दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी आपके लिए। इसलिए कई बार लोग आते, इवन भक्ति में आने के बाद भी वो एक मोनोटोनस वे में चलते रहते हैं हम लोग भक्ति में आगे, और अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करते, और फिर हम दुनिया को दोष देते घूमते, ये ऐसा किया, वो ऐसा किया,
इसलिए मेरा भक्ति नहीं हो रहा, इसलिए ये नहीं हो रहा, इसलिए सब फालतू बात है। ऑफकोर्स कुछ कुछ चीजें इसमें हो सकती है कि आपको इफेक्ट कर रही होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे एम आई वर्किंग हार्ड टू चेंज माई सेल्फ। क्या हम अपनी आदतों को सुधार रहे हैं? क्या हमारा अपने व्यवहार सुधार रहे हैं? क्या हम रियली कृष्णा के लिए वो प्रेम भक्ति के लालयित हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और कर रहे हैं? आप देखिए, खुद को बदलने का प्रयास कीजिए, दुनिया बदल जाएगी आपके लिए। ये हम सबके लिए लागू है, हम सभी जो साधक लोग हैं उनके लिए। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट है कि जब तक वो प्रेमांजन सुनीता भक्ति विदो चले ना, वो प्रेम का अंजन आंखों में नहीं लगेगा, तब तक आपको वो भक्ति का वो महसूस नहीं होगा वो चीजें। तो इसलिए यहाँ कुत्ती मारे बता रही है कि ये चीजें मेरे लिए बिगिल्डरिंग है कि कैसे ऐसे भगवान कर सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान की दृष्टि को हटा करके प्रेम से भगवान की लीला को समझने का प्रयास करना होगा, प्रेम भक्ति से, तब जाकर के सब चीजें पूरे तौर से हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी रिवील्ड। और जो लोग ज्ञान के चक्कर में फंसे वो तो घूमते रह जाएंगे, खाली घूमते रहे, छोटी छोटी बातों पर लोग बिल्डर हो जाते हैं, बड़े बड़े कथाकार लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि हम बड़े छोटे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें कि बड़े बड़े कथाकार वो बात नहीं बता पाएंगे जो आप लोग को पता है अभी प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ करके। 100% ये फैक्ट है, बड़े बड़े करोड़ों फॉलोअर्स होंगे वो लोग नहीं बता पाएंगे वो सिंपल चीजों को जो आप लोग को पता है, केवल प्रभुपाद जी की तरह पढ़ गई। ये प्रभुपाद जी की महानता है, ये प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी देन है दुनिया को। इसलिए इस धरोहर को हमको आगे पहुंचाना है, ये प्रभुपाद जी की ग्रंथ, प्रभुपाद जी की किताबें, प्रभुपाद जी की फिलोसॉफी जो चैतन्य महाप्रभु से आ रही है, इनको हमें घर घर तक पहुंचाना है ताकि लोग सही ज्ञान को समझ पाए, तब जाकर के समाज में रियली सम गुड डिवोटीज आएंगे, रियल ब्राह्मण आएंगे और समाज का उद्धार होगा। ठीक है, आगे बढ़े। विभूति प्रभु ने कुछ प्रश्न है आपका? प्रभु आपने हैंड रेस किया है, आई थिंक भूल से हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 20:32। केचिदाहुर जम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वाये मलस्यैव चंदनम। अभी उनके बारे में बहुत सुंदर एग्जाम्पल से बता रही, पढ़िए कौन पढ़ जाएगा। कुछ कुछ कहते हैं कि अजन्म अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा युद्ध के यदु के प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं, आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तात्पर्य क्योंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकृत्य व्योमों में डालने वाला है, अतएव अजन्म के जन्म के विषय में विभिन्न मत है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्म है, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, अतएव अजन्म के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस तत्व को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। भगवद गीता में इसकी घोषणा फिर भी यह कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए
भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं, जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई वास्ता न था। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित ये जाने में महाराज युधिष्ठिर से यही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऐसे श्रम से ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। वे उस चंदन के समान हैं जो मलय पर्वत पे उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के श्रेष्ठ में क्षेत्र में उगता है। इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्म है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य भी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता जनक हैं। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे मलस्य चंदनम, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है जैसे चंदन का जो पेड़ है वो कहीं भी उगेगा तो वो कीर्तिमान है, जरूरी खाली ये मलय से जैसे मलाया हिल्स या मलेशिया इस तरफ में अगर उगने से वो उसके ज्यादा खुशबू होती है, ऐसा जरूरी नहीं कहीं भी उगेगा, बट क्योंकि वो वहां उगता है इसलिए वो ग्लोरीफाई हो जाता है, वो जगह ग्लोरीफाई हो जाती है। उसी प्रकार क्योंकि भगवान कृष्ण यदुकुल में जन्म लिए इसलिए यदुकुल इतना फेमस हो गया, और इसलिए भगवान का नाम यदुनंदन, यदुवर ऐसे पड़ गया क्योंकि वो यदुकुल में जन्म लिए। अब ये भगवान अपनी स्वेच्छा से जन्म लिए, कोई इनको फोर्स नहीं किया कि तुमको यदुकुल में जन्म लेना पड़ेगा, तो इसलिए बताते हैं कुतुबा ने करी, कुछ लोग कहते हैं कि आप जन्म लिए हो ऐसे यदुवंशियों का सम्मान बढ़ाने के लिए, इनका मान बढ़ाने के लिए आपने जन्म लिया है, और कुछ कहते हैं कि आप पायस किंग, तो यहाँ पायस किंग का मतलब है युधिष्ठिर महाराज, उनके गुणगान के लिए आपने जन्म लिया है ना। तो इसलिए जब कोई राजा धर्म के मार्ग पर चल करके इस प्रजा का पालन करता है तो उसको भगवान की सहमति मिलती है, और भगवान की कृपा से जो है वो पूरे प्रजा को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाते हैं, उनका शासन कर पाते हैं। तो ये दो कारण बता रही है कुंती महारानी जन्म लेने का, एक तो है कि आप युधिष्ठिर महाराज के गुणगान के लिए आपने जन्म लिया है, और दूसरा आप यदुकुल को पवित्र करने के लिए, यदुकुल का गुणगान करने के लिए आप जन्म लेते हैं। ये दो कारण कुंती महारानी बता रही है। कुंती महारानी अपने आप अभी एक प्रकार से स्पेकुलेट कर रही है, बता रही है मुझे ऐसा लगता है, पर पहली वो कहती है किसी को पता नहीं आप क्यों जन्म लेते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। आगे और भी कारण बताए के साथ आगे पढ़ के देखते हैं। चलिए टेक्स्ट 33।
अपरे वसुदेवस्य देवक्यान्याचितो भगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरदृशाम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों अपने लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवता का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तात्पर्य यह भी कहलाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा पृष्णी के रूप में कठिन तपस्या की थी। उनके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवद गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। बताते कि वसुदेव देवकी ने आपके प्रार्थना किया, बोल के आपने जन्म लिया। करेक्ट। नेक्स्ट, भारावतारण्ये भूवो नावरिवो दधो सिदंतया भूरि भारेण जातो ह्यात्मा भुवार्पित। पढ़िए। कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा पढ़ो। हाँ कंटिन्यू कीजिए माता जी, पढ़िए। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझित समुद्र आदि नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठता है तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तात्पर्य सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव है तथा नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र है। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रकट प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। परम परमात्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसलिए विष्णु विष्णु पद पदनाभ कहलाते हैं। ब्रह्मा आत्मा आत्मभू कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी। वो तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की शक्तिमत्ता। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है, उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती है। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है। उनके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए उसे प्राप्त साधन से इतर कोई अन्य उपाय नहीं होता। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण
किसी प्रकार की स्थिति या शक्ति से बंधे नहीं है, वे पूर्ण है और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता से साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। अतएव ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुई है, उन्हें माता के गर्भ में नहीं रखना पड़ा, इसलिए वे आत्मा भू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रमाणी है, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित है। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो शिरोदक्षाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है, जैसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इनके निवास के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते तो वे शिरोदक्षाई विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उससे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझित हो उठी। तब अन्य देवताओं देवता समेत ब्रह्मा ने शिरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण की वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से हुआ है। थैंक यू। तो ये क्लियर है यहाँ पर कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया बोलकर कि आप इस धरती पर अवतरित हुए। तो यही प्रोसेस है, क्षीर सागर पे भगवान श्वेत द्वीप करके एक द्वीप है जहाँ क्षीरोदक्षा विष्णु का वो निवास स्थान है, और जब भी कोई देवताओं में प्रॉब्लम आती है ये लोग ब्रह्मा जी को जाते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के आपने फेमस फोटो दिखा हुआ जाके प्रार्थना करते हैं। तो भगवान देवताओं को दर्शन देते हैं, भगवान ब्रह्मा को दर्शन देते हैं और उनके हृदय में प्रकट होते हैं और फिर ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मैं अवतरित होने वाला हूं अभी, और तुम सभी देवता लोग जो है वो अलग अलग घरों में यहाँ जन्म ले लो। जैसे सभी देवता भगवान राम के अवतार जिसमें वानर बन के आ गए, सभी कृष्ण के जन्म टाइम में यदुवंशी बन के आ गए। तो कुछ कुछ स्पेशल देवता होते हैं जो लोग भगवान की वृंदावन लीला में उनके गोप सखा ये सब बन के आते हैं, बट ये लोग सब लिबरेटेड सोच सकते हैं, ये लोग बद्ध जी नहीं रहते। तो ये मिक्स रहता है देवताओं में भी, तो कुछ कुछ रहता है जो मतलब भगवान नित्य पार्षद होते हैं, और कुछ कुछ लोग जो है वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, है ना, वो लोग सीखने के लिए आते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी है। जैसे मान लीजिए अभी हम में से मान लो कोई अच्छा भक्ति किया और अभी हमारे कर्मवश हमको देवता का रूप मिला, तो फिर जब भगवान नेक्स्ट लीला करेंगे तो हो सकता है कि वो लोग जो देवता बनेंगे वो भगवान लीला में आएंगे, भगवान को सपोर्ट करेंगे और फिर उसके बाद भगवान में आएंगे। कुछ ये कैटेगरी के जो डायरेक्ट भगवान देवता बोलेंगे तुम आओ लीला में सपोर्ट करो और फिर जो है डायरेक्ट अपने वापस जगह में चल जाओ। जैसे नल कुएं मणिगिरी, ये लोग आए भगवान लीला में एक रोल किए, वापस ये लोग अपने स्थान पे गए लेकिन अभी शुद्ध हो गए थे, फिर वहां से लोग जाएंगे भगवदा। वैसे अलग अलग कैटेगरी है, ये जनरल फेनोमेनन नहीं है, जनरल रूल नहीं है, बट अलग अलग कैटेगरी के लोग आते हैं जो भगवान लीला। जैसे भगवान लीला में हर प्रकार के लोगों को मौका मिलता है, सबको, और सबका उद्धार होता है। एक लीला भगवान करते हैं सबका उद्धार होता है, सबका, जो भी मनुष्य से लेकर देवता हो जो भी हो, एक चीज लीला में भगवान हजारों हजारों काम कर देते हैं, ये भगवान की भगवत्ता है। तो इसलिए आप कुंती महारानी कह रही है कि ब्रह्मा जी के प्रार्थना पे आप अवतरित होते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो कुंती महारानी और बहुत सारे रीजन बता रही है कि आप क्यों जन्म लेते हैं
और ये तो अलग अलग लोगों को अलग अलग रीजन पछता सकते हैं, कोई भी कारण हो, बट एक बात तो श्योर है कि भगवान अपने भक्तों को खुश करने के लिए जन्म देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशयति दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में भगवान जन्म लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, है ना। तो उसमें स्पेशल जो कारण है वो है भक्तों को प्लेजर देने के लिए। ठीक है, तो हम आगे जो है और नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, और आगे इसमें कुछ अच्छे अच्छे वर्सेस हैं जो कुंती महारानी अपने रीजन बता रही है, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहीं पर विराम देंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते। यस मानिक माता जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कुंती महारानी को सब पता था, बाकी सबको भगवान ने सब कुछ भुला दिया था, यहाँ तक कि हम देखते हैं ब्रह्मा को भी मतलब भगवान के बारे में इतना पता नहीं था ये भगवान है, तो कुंती महारानी को कैसे? हाँ, तो इसमें क्या होता है, कुंती महारानी को भगवान की योग माया शक्ति से वो लीला इसलिए देख पा रही, क्योंकि कोई तो आगे जाकर के बताना चाहिए ना कि ये लीला भगवान की ऐसे हुई थी। जैसे अब रोहिणी माता है, अगर रोहिणी माता वृंदावन में भगवान की लीला नहीं देखती तो जाकर वो कैसे बताती वहां द्वारका की रानियों को कि भगवान ने ऐसी गोपियों लीला करी है। दिस अ पार्ट ऑफ द होल थिंग ड्रामा, जैसे कोई ड्रामा होता है तो उसमें अलग अलग किरदार लोग निभाते हैं ना, तो ये वैसा ही है। तो ऑफकोर्स ये रियलिटी है, बट इसमें भी अलग अलग रोल लोग अलग अलग रोल निभा रहे हैं। अब यशोदा माँ को अगर पता होता कि ये भगवान है तो कैसे दामोदर लीला होती, कैसे छड़ी मारती, कैसे हो जाती, समझ ना। बट तो हर एक जो व्यक्ति है लीला में उसका एक पॉइंट पे आके उसको रोल समझाता है कि अरे हाँ ये व्यक्ति जो है। फॉर एग्जाम्पल अभी अक्रूर आ रहे हैं कंस को लेने के लिए, ये सॉरी कृष्णा को लेने के लिए कंस मार गए। अरे कृष्णा यहाँ बैठे बैठे कंस को मार सकते, बट अक्रूर अगर नहीं आते तो गोपियों का विरह कैसे आता, वो सेपरेशन जो होता है भगवान का, इज अ पार्ट ऑफ ड्रामा द होल लीला। जैसे मैं आपको बता रहा था ना वहां पर बृहदावतार में कि कैसे गोलोक वृंदावन में भी भगवान लीला ये लीला करते हैं, कंस को मारते हैं, सेपरेशन होता है, वो भाव उत्पन्न करने के लिए। तो कुंती महारानी का जो है वो वात्सल्य भाव है, लेकिन वो ऐश्वर्य युक्त वात्सल्य भाव है। और यशोदा माँ का जो वात्सल्य भाव है वो शुद्ध प्रेम युक्त वात्सल्य भाव है। देवकी का भी जो वात्सल्य भाव है वो ऐश्वर्य रूप वात्सल्य भाव है, जहां भगवान की भगवत्ता की थोड़ी बहुत परछाया दिखती है, पर यशोदा माँ कंप्लीट जैसे अपना अपना बच्चा है वैसा पूरा बिहेव करती है, तो वो और हाई लेवल का भाव है। तो इसलिए जब हम माधुरी से माधुरी के भाव करते हैं तो अभी जो रुक्मणी है, रुक्मणी माधुरी भाव है भगवान के साथ, वो एक कंजुगल का प्रेम है, लेकिन राधा रानी का भाव उससे ऊपर है, क्योंकि राधा रानी का जो माधुर्य भाव है वो विशुद्ध माधुर्य भाव है, परकीय भाव है, और इधर रुक्मिणी सत्यभामा ये लोग का स्वकीय भाव है। तो एक रस में भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जिस सखा में अभी अर्जुन सखा है और मधुमंगल सखा है, दोनों में अंतर है। आप नहीं देखो अर्जुन को कुछ कृष्ण के कंधे पे हाथ रख करके जो है अरे चल यार युद्ध करते गए, ऐसा कभी नहीं। वहां पर एक रेस्पेक्टफुल डीलिंग है, वो भी एक सखा भाव है। बट मधुमंगल ये लोग तो कृष्ण के सिर पर चढ़ के नाचते हैं, वो भी सखा भाव है। तो इसीलिए इन रसों में भी लेवल्स है भाव के। अब ये बहुत डीप टॉपिक है, ये जो चीजें हैं ये भक्तिसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, तो ये जब हम समझेंगे तब समझेंगे कि और भगवान सभी व्यक्तियों को उनके मूड उनके भाव के हिसाब से रोल देते हैं। तो यहाँ कुंती महारानी को भगवान जानबूझ करके लीला दिखाए और उनको बिल्डर करा रहे हैं अभी। अरे देखो वो कुंती महारानी ये भी देख रही है कि भगवान जाकर के युद्ध कर रहे हैं, महाभारत में लाखों करोड़ों को मार रहे हैं, अश्वत्थामा को पकड़ के ला रहे हैं, और वही कुंती महारानी ये भी देखिए कि भगवान यशोदा से डर रहे हैं, तो वो तो बड़ा बिल्डर है, अरे क्या बात है भाई, तुम यहाँ लाखों लाखों लोगों को मार रहे हो, इधर जाके तुम यशोदा से डर रहे हो। यही जो एक भाव में जो विडंबना की जो बातें वो भगवान एंजॉय करते हो, उसको रिलीज करते हैं भगवान चीज को, तो वो रस तत्व जब आता है तब इन चीजों का कंसिडरेशन आता है। कुछ समझे आप जो मैं बोला? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके यस अतुल बोलिए। हरे कृष्ण मृदंड प्रणाम प्रभु जी।
प्रभु जी मेरा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अभी आपने बताया ना कि ब्रह्मा जी गर्भदक्षा विष्णु से प्रकट हुए, तो मेरे मन में पहले से डाउट था प्रभु जी कि ये जो शिव जी का इनकार्नेशन कैसा है प्रभु जी, शास्त्र के बेस पे, क्योंकि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम में भी एक शिव भक्त मिलते हैं, तो उनको डिस्फाई नहीं कर पाते, तो क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता। अच्छा, इसलिए मैं आपको अभी डिटेल में बता चाहता हूँ कैसे होता है, थोड़ा समय दीजिए जो लोग को मीटिंग छोड़ना छोड़ सकते हैं। बट जब भगवान दृष्टि कौन करते हैं सृष्टि की रचना के लिए, तो आपको पता है भगवान के कई अवतार होते हैं, और उसमें होते हैं महाविष्णु आते हैं, फिर जो बोलते हैं कारोदक्ष विष्णु, और वो महाविष्णु ग्लैंस करते हैं इस सृष्टि पर। तो सृष्टि जो है वो दुर्गा देवी है और भगवान ग्लैंस करते हैं, तो जो ग्लैंस है ना भगवान की जो दृष्टि को रहे वो शिव जी है। जैसे आप देखोगे अभी हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, तो लिंग क्या है, तो एक प्रकार से जैसे पुरुष एक स्त्री को गर्भवती बनाता है, वैसी भगवान अपनी दृष्टि से इस माया जगत को गर्भवती बना देते हैं। अब वो दृष्टि में क्या पेंटेड करते हैं, वो दृष्टि में जीवात्माओं को देते हैं जो लिविंग फोर्स है, तो वो जो जीव दृष्टि है भगवान की वो शिव जी का रूप लेके आती है। इसलिए भगवान कभी भी डायरेक्टली टच नहीं करते इस भौतिक दुनिया को, इसलिए शिव जी को भगवान का ही एक ट्रांसफॉर्म एक्सपेंशन माना जाता है, क्योंकि भगवान इनडायरेक्टली टच करते हैं इस भौतिक दुनिया को, और इनडायरेक्ट टच है भगवान का वो है शिवलिंग। वो है, अब क्या होता है, एक सदाशिव भी है जो कि भगवान का एक्सपेंशन है, और जो भगवान के धाम में रहते हैं वो सदाशिव भी टच नहीं करते, बट देन वो सदाशिव अपने आप को 11 ये रुद्रों में बांटते हैं, जो ये रुद्र, तो हर एक 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 सृष्टि में एक एक शिव जी का पता है। तो क्या करते हैं भगवान जब दृष्टि कौन करते हैं, तो वो सदाशिव के थ्रू हो करके एक 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 एक्सपेंशन शिव जी का एक ही सृष्टि में आना शुरू हो जाता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप सेकेंड कैंटो में पढ़ोगे जब क्रिएशन का बात होता है तो वहां पर ये बात आती है। तो जब आप भक्ति वैभव कोर्स करोगे और सेकेंड कैंटो पढ़ोगे तब डिटेल में बताएंगे, बट अभी जानते हैं कि शिव जी भगवान का ग्लैंस है। जब भगवान बोलते ना तासाम महत ब्रह्म योनि अहम बीज प्रता पिता, मैं सबका पिता हूं, वो पिता कौन है, वो शिव जी है, वो शिव जी है। तो इसलिए ये थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन इसलिए आप बोलते हैं शिव और ब्रह्म विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जैसे चीरन दादी बोलते ना दूध ट्रांसफॉर्म होने से जैसे मिल्क दूध दही बनता है, वैसे भगवान जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो शिव बन जाते हैं, क्योंकि भगवान डायरेक्ट टच में नहीं आते इस सृष्टि के, तो वो ग्लैंड से भगवान मारते हैं वो शिव जी के थ्रू आते हैं, और शिव जी जाते हैं, और जब शिव जी का शक्ति तत्व से मिलन होता है तब जीवात्माएं प्रकट होती है। वो जीवात्मा रहती भगवान के शरीर में, लेकिन तो वो तो एक प्रकार से शिव जी जीव वो शक्ति तत्व को प्रेग्नेंट करते हैं जीवात्माओं से, और वो शक्ति तत्व जो है वो प्रकृति जो है वो बॉडी देती है जीवात्मा को। जैसे एक पुरुष स्त्री के गर्भ में वीर दे छोड़ता वीर देता है, और वो वीर से फिर वो जो जीवात्मा उसमें जन्म लेती है, शरीर माँ का गर्भ देता है उसको, वैसे ही सेम प्रोसेस है जो प्रकृति हमको शरीर देती है अपने कर्मा और डेस्टिनी के हिसाब से, और जो ग्लैंड्स भगवान देते हैं वो शिव जी के रूप में जाकर के प्रकृति से मिलन होता है। कुछ समझ में आया आपको ये चीज हल्का फुल्का? यस प्रभु जी, प्रभु जी क्लियर प्रभु जी, ये बस इतना समझिए। ये और डिटेल नॉलेज इसका है, लेकिन अभी हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, और मैं मेरे को पढ़ना भी पड़ेगा थोड़ा उसके लिए, मैं उतना भी याद भी नहीं, ये एकदम मैंने ग्रॉस बताया, बट बहुत डिटेल बताया गया है, इसलिए कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। कोई भी भागवतम में कुछ भी चीज ऐसी नहीं बता दी गई, सब चीज के पीछे कारण है, रीजन है, सब बताया गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, समय हो गया है। तो अभी हम कई भक्त लोग हमारे विंदौन यात्रा से आए हैं, तो भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से हमारी यात्रा सफल हो गई, और काफी भक्तों ने बहुत आनंद किया और भक्ति में भी आगे बढ़े। तो यात्रा से आने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है,
कि हम और सेवा करें, प्रभुपाद जी की और मिशन की और प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएं। इसलिए आप सब संलग्नता से जुड़िए और अपने आप को और सीरियस बनाइए और अच्छे से भक्ति करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी मैराथन आ रहा है, December 1 से शुरू हो जाएगा हमारा भगवता मैराथन। हमको घर घर में जा जा करके जो है गीता को बांटना है, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना है और अपने तरीके से प्रयास करना है। तो आप लोग सब टीम बनाइए, अभी से सोचना प्रयास कीजिए कैसे हम गीता का वितरण करें। ये सेवा प्रभुपाद जी को सबसे ज्यादा खुश करती है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए अभी अभी हम नेक्स्ट क्लास से इस पर चर्चा करेंगे, चटर्जी बनाएंगे, टीम बनाएंगे और गीता बांटेंगे। सबको गीता बांटना है, चाहे कोई एक बांटे, चाहे 10 बांटे, चाहे 100 बांटे, चाहे 1000 बांटे, बट हम सबको मिल करके प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए हम लोग को मेहनत कर दिया। कार्तिक महीना हम लोगों ने अपने लिए सेल्फ नरिशमेंट किया और अभी ये जो नेक्स्ट महीना है वो देना है, बांटना है लोगों को एज ए मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू प्रभुपाद। इसीलिए सब लोग तैयार हो जाइए अपने आपको एकदम तरीके से। थोड़ा एक हफ्ता रेस्ट ले रहे हैं हम लोग, रिकवर हो रहे हैं, फिर लगेंगे फिर से सेवा में, पूरा मैराथन का सेवा में लगे। ठीक है, ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धन्यवाद गुरु जी, आपने इतना अच्छे भगवान के कथा हम लोग को सुनाए, आपका आभारी है गुरु जी। इसी तरह हम लोग को सुनाते रहिए, हम सुनते रहे, गुरु जी का आभार प्रकट करते हैं। तीन बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू, हरे कृष्णा।